रौनक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। डियर चिल्ड्रेन, एनिमल्स किड्स तो कितने प्यारे लगते हैं, है ना? तो आइए सुनते हैं स्टोरी फ्लड इन द जंगल। हेलो बच्चों, आओ सुनाऊं आपको एक कहानी जिसमें है पानी ही पानी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डेंस फॉरेस्ट नेम्ड सुंदरवन। उस फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे, बट देयर वॉज नो स्कूल इन द फॉरेस्ट, जिसकी वजह से कोई भी एनिमल रीड एंड राइट नहीं कर पाता था। सारे एनिमल्स बहुत सैड थे, दे ऑल वर वेरी सैड। उन्हें लगता था कि उनके किड्स को भी उनकी तरह एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। वो अपनी प्रॉब्लम लेके जंगल के किंग के पास गए। उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद लायन ने पास के जंगल से एक एजुकेटेड मंकी को बुलाया और स्कूल खोलने के लिए कहा। तो बच्चों, मंकी ने स्कूल खोला और स्कूल का नाम रखा हम्प्टी डम्प्टी प्राइमरी स्कूल। सारे एनिमल्स ने अपने किड्स के एडमिशन वहां पे करवा दिए। अब तो सारे किड्स रोज स्कूल जाने लगे। एंड देयर दे एंजॉयड एंड हैड लॉट्स ऑफ फन। फिर आया रेनी सीजन। और रेन से सारा फॉरेस्ट ग्रीन ग्रीन हो गया। और सबने मिलकर गाया एक गाना। टिप टॉप टिप टॉप फॉल मेनी रेन ड्रॉप्स, लेट्स प्ले सम रेनी सॉन्ग, लेट्स डू सम हिप हॉप। Feel the cool air and feel the cool rain. Just come outside and forget your pain. Eat some tasty food and enjoy. Ready with umbrella, girl or a boy. Make some boats, collect some pebbles. See your funny faces in the round bubbles. Hey! एक दिन पानी बरसा, दूसरे दिन पानी बरसा, फिर बरसता ही चला गया और इस रेनफॉल से जंगल में बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी, देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड। और आपको पता है बच्चों, फ्लड की वजह से स्कूल और जंगल के बीच में एक बड़ा नाला बन गया। अब बेचारे एनिमल्स किड्स स्कूल कैसे जाते? कुछ किड्स जैसे कि डकलिंग, जो स्विम करना जानते थे वो तो स्कूल चले जाते थे, लेकिन बेचारे बाकी स्कूल कैसे जाते? सभी किड्स ने सोचा, ऐसे तो हम पूरा रेनी सीजन स्कूल नहीं जा पाएंगे। और वो एक दिन नाले के पास गए। हम इसे कैसे पार करें? How will we cross it? तब डॉग के किड यानी पपी ने कहा, My father's name is Tuffy and people call me Puppy. Let me try to cross it. मैं try करता हूँ पार होने की। I'm drowning, मैं डूब रहा हूँ। Please save me. बेचारा पपी किसी तरह से बाहर आ पाया। उसको देखकर बेबी कैट यानी किटन ने कहा, I can count 1 to 10 and my name is Kitten. अब मैं ट्राई करती हूँ क्रॉस करने की।
Oh, I'm drowning. Please help me. किटन किसी तरीके से बाहर आ पाई, तभी वहां पर काऊ एंड बफेलो के किट्स भी आ गए और उन्होंने कहा, We greet everybody, hello. We are kids of cow and buffalo. We divide our work half and half. People call us calves. लेकिन इतना पानी देखकर वो भी घबरा गए. After some time, lion's kid यानी cub और बेबी पिग यानी पिगलेट भी वहां पहुंच गए. बट nobody was able to find any solution. सारे किड्स को प्रॉब्लम में देखकर पानी से टर्टल दादा निकले और उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सलूशन है मेरे पास. प्लीज टेल अस दादा, वी वांट टू गो टू द स्कूल. कैमल की हाइट काफी बड़ी होती है, वह तुम सबको अपनी बैग पर बिठाकर आसानी से नाला क्रॉस करा सकता है. फिर सारे किड्स कैमल दादा के घर जा ही रहे थे कि ऑन द वे दे मेट द हॉर्सेस किड यानी कि फोल. सबने उससे कहा, डियर फ्रेंड, यू रन सो फास्ट, विल यू हेल्प अस? प्लीज हमारी हेल्प कर दो और जल्दी से कैमल दादा को बुला लाओ, क्योंकि अब वही हमें स्कूल पहुंचा सकते हैं. उनकी बात सुनकर हॉर्स किड ने कहा, यस, रनिंग इज माय ओनली गोल एंड पीपल कॉल मी फोल. Yes, I will help you, my friends. I am just going. फोल ने जाकर कैमल दादा को सारी प्रॉब्लम बताई. फिर कैमल दादा जल्दी जल्दी आते हैं. और अपने साथ लाते हैं शीप के किट यानी लैम को. आखिर उसे भी तो स्कूल जाना था. कैमल दादा ने सबको अपनी बैग पर बैठने को कहा, लेकिन सबसे पहले फोल जाके बैठ गया. यह देखकर कैमल दादा बोले, डोंट डू लाइक दिस, मैं सबसे पहले वेरी स्मॉल किड्स जैसे कि चिक्स, किटन, पपी, पिगलेट एंड लैम को छोड़ूंगा, उसके बाद तुम्हें छोड़ूंगा. कैमल दादा की बात सुनकर फोल ने मुंह बनाते हुए कहा, कैमल दादा, आई एम ऑल्सो स्मॉल किड, मैं कौन सा बड़ा हो गया हूँ. फोल की बात सुनकर काफ और कब ने भी यही बात कही कि हमें पहले जाना है. फिर कैमल दादा ने सबको प्यार से समझाया और सबको बारी बारी नाले को क्रॉस कराया. इस तरह से सारे किड्स स्कूल पहुंच गए. सब इतने दिन बाद स्कूल पहुंचे थे, इसलिए मंकी सर ने पूछा, बच्चों, व्हाई डिड यू ऑल नॉट कम टू द स्कूल फॉर सो मेनी डेज? सर, जंगल में फ्लड आ गया था. सर, आज तो कैमल दादा ने हमें अपनी बैग पर बिठाकर किसी तरह से नाला क्रॉस कराया, तब जाकर हम स्कूल आ पाए. अच्छा, बट रेनी सीजन तो हर साल आएगा. वी हैव टू फाइंड आउट अ परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. हमें इस प्रॉब्लम का हमेशा के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा. तो बच्चों, आप एनिमल किड्स की जगह होते तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकालते? इस बारे में क्लास में अपने टीचर से चर्चा करें.